नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ सदर लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। मतदान शुरू होने के साथ ही प्रमुख उम्मीदवारों के समर्थक और पार्टी के नेतागण अपने अपने दावे कर रहे हैं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे सत्येंद्र राय ने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरोवा के जीत का दावा किया और कहा कि सभी तबके का वोट उनको मिल रहा है। चुनाव के दौरान पूरा सफेद परिवार यहाँ गली गली घूम रहा था। उनको भी एहसास हो गया कि कुछ जगह से उनको भले ही वोट मिल जाए, लेकिन ज्यादातर जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित है कि दिनेश लाल यादव निरोवा की विजय होगी। सबसे खास बात यह है कि ऐसे तबके का वोट मिला था जिसकी उम्मीद नहीं थी। महिलाओं का वोट तो ज्यादातर भाजपा के साथ गया, भले ही पुरुष इधर उधर गए हों, लेकिन महिलाएं एकजुट होकर कमल के बटन को दबा रही हैं। सत्येंद्र राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा से लीड कर रहे हैं। ये बताइए कि आप विधानसभा गोपालपुर में जिस तरीके से मतलब देख रहे हैं पोलिंग स्टेशनों पर, जाना क्या माहौल है? एकदम हर हर महादेव हो गया है। अब पूरी गोपालपुर विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और बहुत मैं आश्चर्यचकित हूँ। ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन मिल रहा है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। ऐसे भी तबके का समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और हमारा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ गोपालपुर विधानसभा से लीड कर गया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सबसे मजबूत गोपालपुर हमारे लिए। समाजवादी पार्टी गली गली घूम रही है, देख रहे हैं आप, पूरी परिस्थिति देख रहे हैं। पूरा कुनबा, पूरा परिवार गली गली घूम रहा है, कहीं कुछ है ही नहीं, जहाँ है वहीं है। बस पूरी जनता जनमानस जो है भाजपा के साथ हो गई। आजमगढ़ के सांसद कौन बनेगा? निरहुआ बन गया, कन्फर्म हो गया। बड़ा दावा नहीं कर रहे? मैं इतना फर्जी दावा थोड़ी करूँगा। ओसो हवास में मैं बोल रहा हूँ कि निरहुआ आजमगढ़ का सांसद चुन लिया गया, जनता बोल दी। मैंने क्या कहा कि ऐसे तबके का समर्थन मिल रहा है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। अब महिलाएं पुरुष जो है भले इधर उधर हो रहे हैं, महिलाएं एकदम कमल का बटन एकदम दबाते जा रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।